हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी समझौता, और आखिर क्यों इस फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रही है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, लगभग 400 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी हिमालय के तीस्ता खंगदस्य ग्लेशियर से होकर निकलती है और सिक्किम के रास्ते से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है। पश्चिम बंगाल से तीस्ता नदी बांग्लादेश में पहुंचती है और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यह उत्तर बंगाल की सबसे बड़ी नदी में से एक है और इस पर लाखों लोगों की जीविका आश्रित है। तो चलिए क्या है मामला, बताते हैं आपको। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार के बीच जो तीस्ता नदी समझौता हुआ है उसको लेकर प्रश्न उठाए थे और कहा था कि इस फैसले में पश्चिम बंगाल का पक्ष नहीं लिया गया और उनकी अनदेखी की गई। हालांकि ममता बनर्जी के इस दावे को केंद्र की सरकार ने नकार दिया है। केंद्र सरकार ने सूत्रों के हवाले से स्पष्ट किया कि तीस्ता नदी समझौते से पहले पश्चिम बंगाल को इसमें शामिल किया गया था और उसके लिए जरूरी डाटा भी उपलब्ध कराया गया था। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यानी 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने दावा किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुए गंगा नदी के जल समझौते के दोबारा किए जाने और तीस्ता नदी पर हो रहा जो नया समझौता है उसमें पश्चिम बंगाल की सरकार को शामिल नहीं किया। ममता बनर्जी का कहना है कि जो तीस्ता नदी है उसमें पहले से ही पिछले कुछ सालों में जो पानी है वो कम हो रहा है, और ऐसे में अगर भारत सरकार तीस्ता नदी के पानी को बांग्लादेश के साथ साझा करती है तो पश्चिम बंगाल के लोगों पर इसका बुरा असर होगा। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि पिछले कुछ सालों में जो तीस्ता नदी का बहाव है वो भी कम हो गया है, और ऐसे में अगर हम बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी के पानी को साझा करते हैं तो उत्तर बंगाल में सिंचाई की पानी की कमी हो जाएगी, जिसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर बंगाल के लोगों को पीने की पानी के लिए भी तीस्ता नदी के पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी के पानी को साझा करना संभव ही नहीं है। ममता बनर्जी के इन दावों पर केंद्र सरकार के सूत्रों ने मीडिया को यह जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल के जो चीफ इंजीनियर है वो इस मैटर को देख रहे हैं। केंद्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी है अगले 20 से 30 वर्षों के लिए राज्य में पानी की जरूरत संबंधी आंकड़े केंद्र सरकार को उपलब्ध कराए हैं। ये आंकड़े केंद्र सरकार को अप्रैल में उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी का यह पत्र बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इंडिया दौरे के बाद आया। शेख हसीना के भारत दौरे में दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी के जल पर सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उनकी एक टीम बांग्लादेश में तीस्ता नदी की स्थिति सुधारने और उसके प्रबंधन के लिए जाएगी। इसका अर्थ यह लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो तीस्ता नदी जल को लेकर जो संधि है उसकी बात आगे बढ़ रही है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर तीस्ता नदी जल समझौता क्या है। दोस्तों, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली 50 छोटी बड़ी नदियों में से एक है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी दो बड़ी नदियां बहती है। तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता के पानी पर समझौते को लेकर जो बातचीत है वो कोई नई नहीं है। इसको लेकर पिछले कई दशकों से भारत और बांग्लादेश के बीच जो बातचीत है वो जारी है, लेकिन यह भी सच है कि इन दोनों देशों के बीच कोई ठोस समझौता आज तक नहीं हुआ। हालांकि इसको लेकर दोनों देशों के बीच 1983 में एक अस्थायी समझौता जरूर हुआ था। इसके तहत बांग्लादेश तीस्ता नदी के 36% पानी पर, जबकि भारत तीस्ता नदी के 39% पानी पर, और बाकी का जो 25% पानी है वो बिना बंटवारे के छोड़ दिया गया था। हालांकि 1983 में हुआ यह समझौता 1985 तक यानी 2 साल तक ही मान्य रहा। हालांकि बांग्लादेश स्थायी समझौते को लेकर बहुत दिनों से ही भारत से मांग करता रहा है। बांग्लादेश ने 1996 में भारत के साथ गंगा नदी के जल को लेकर समझौता किया था। इसके बाद तीस्ता नदी के जल को लेकर भी समझौते की कोशिशें हुई। हालांकि इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग जो सहमति है वो बन गई थी। इसके अंतर्गत यह तय किया गया था कि जो बांग्लादेश है वो तीस्ता नदी के पानी का 37.5% पानी यूज करेगा और भारत 42.5% जल अपने हिस्से में रखेगा, और ये जो पानी है वो दिसंबर से मार्च तक ही मिलना था। हालांकि यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आया। दोनों देश लगभग जब इस समझौते पर राजी हो गए तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया, इसके बहुत सारे वैलिड रीजंस है। ममता बनर्जी के मना करने के बाद यह समझौता है वो लगभग बीच में ही लटक गया। अब मोदी सरकार इस फैसले को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है जिससे दोनों देशों को फायदा हो। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2011 के बाद से ही
भारत ने इस मुद्दे पर जोर देना शुरू किया क्योंकि चाइना भी इस मुद्दे पर इंटरेस्ट लेता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। चीन बांग्लादेश को यह ऑफर तक भी दे चुका है कि वह तीस्ता नदी के तलहटी को और गहरी कर सकता है। हालांकि भारत चीन के इस कदम को सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है। ऐसे में भारत भी यह चाहता है कि कैसे भी करके किसी भी हालत में बांग्लादेश और भारत के बीच जो समझौता है वो हो जाए, ताकि चीन इसमें टांग ना अड़ा पाए। हालांकि ममता बनर्जी के पत्र लिखने के बाद इस मामले में कुछ रुकावट आ सकती है। इस मुद्दे को बहुत गहराई से समझते हैं हम, इन पर एक डिटेल वीडियो जरूर लाएंगे, लेकिन ओवरऑल हम आपको यही कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी जो बार बार पत्र लिखती है या इस समझौते में रुकावट पैदा करती है, ममता बनर्जी का जो स्टैंड है वो क्लियर है। क्योंकि अगर यह समझौता होता है तो कहीं ना कहीं इससे जो उत्तर बंगाल में पीने के पानी और सिंचाई के पानी है उसकी कमी हो जाएगी, और कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि उसमें पानी की कमी हो। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।